हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर एंड आर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैटर एंड सराउंडिंग का मीनिंग होता है, यानी कि जो अपने पास आस पास का जो मैटर है, कुछ भी जो भी अपन देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इवन टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो हम मैटर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हमारे आसपास मौजूद है। तो मैटर की डेफिनेशन होती है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। जो भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसके पास अगर मास हो, जिसका वजन हो और वो स्पेस को घेरे या फिर कवर करे, उसको हम मैटर कहते हैं। और जो कि हमारे 5 सेंसेस से हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे कि हियरिंग, उनको हम उसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। मैटर कुछ इस तरीका का होता है, जैसे कि ये सॉलिड ब्लॉक है, इसके पार्टिकल्स होते हैं जो कि टिनी होते हैं। तो हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे अर्ली इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। वाटर यहाँ पर डबल वाला लिखा हो गया है। सो इंडिया के जो पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉजिक लगाकर मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, या 5 फॉर्म्स को उनको उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था, जो कि हमारे पंच तत्व थे, जो कि एयर होता है, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। और आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने क्लासीफाई किया है मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो पहले हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर में मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक है जिसके पार्टिकल्स हैं, में इतना सब, इतनी जगह में इतने सारे पार्टिकल्स हैं और भी होंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हर एक पार्टिकल के बीच में गैप है, ये गैप है। तो मैटर के पार्टिकल्स में बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं कहीं पर भी, और क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, कहीं पर भी वो मूव करते रहते हैं ऑटोमेटिक। एज द टेम्परेचर राइजेस और द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। जब वो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे या फिर हम इसको गर्म करें और बर्न करके, तो इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करने लगेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आपने एक, यानी कि सॉलिड ब्लॉक्स या फिर लिक्विड वगैरह आपने देखा होगा, यानी कि सॉलिड है जैसे कि ये है, ये यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा कब तक, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, उसने दूसरे पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध रखा है। जब ये वो उसके पार्टिकल्स दूर नहीं जा पाते, तभी वो सॉलिड बन रहता है, नहीं तो उसके पार्टिकल्स दूर जा सकते हैं और वो दूसरे फॉर्म में हो सकता है। तो उसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर आप अब यहाँ से पढ़ेंगे सॉलिड की 5 स्टेट्स होती हैं, 2 स्टेट्स और बढ़ जाती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जो कि 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Oh, 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 oh